हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं काजल और मेरे इस चैनल काजल के किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बटर गार्लिक नान। तो चलिए देखते हैं घर पे ही कैसे बनाते हैं बटर गार्लिक नान। तो दोस्तों, नान बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मैदा। तो मैंने यहाँ पे ऑल पर्पस फ्लार लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी, 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाला है और अब इसमें थोड़ा सा गार्लिक डाल देंगे। तो गार्लिक को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे हम एक डो जैसा बना लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसका डो अच्छी तरह से बना लिया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा तेल ऊपर से लगा देंगे ताकि ये चिपचिपा ना रहे। ये देखिए, हमारा जो डो है बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे करीब 1/2 घंटे के लिए गीले कपड़े से ढक कर रख देंगे। तो ये देखिए, 1/2 घंटे के बाद ये डो कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो अब हम नान बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम छोटे छोटे बॉल्स ले लेंगे। इसे ऐसे सर्कल करके अब हम इसे बेल देंगे। तो हमें इसे गोल नहीं बेलना है, इसे लंबा बेलना है। तो ये देखिए, मैंने इसे लंबा बेल दिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा काला जीरा डाल देंगे, लहसुन और थोड़ा सा धनिया पत्ता। अब इसे स्टिक हो जाने के लिए अब इसमें थोड़ा सा बेलन और चला देंगे। तो ये देखिए, हमारा जो नान है बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों, नान तो भट्टी में बनाया जाता है, पर घर पे तो सबके पास भट्टी अवेलेबल नहीं होता है, तो इसीलिए हम इसे पैन में बनाएंगे। तो पैन में बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके पीछे थोड़ा सा पानी लगा देंगे। पानी हमें अच्छे तरह से लगाना है ताकि ये स्टिक हो जाए पैन में। तो मैंने एक पैन को गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। जैसे ये गर्म हो जाएगा, हम इसमें अपने नान को डाल देंगे। तो ये देखिए, पैन बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें नान को डाल देंगे। तो ये देखिए, ये एक तरफ से अच्छे तरह से सिक चुका है। तो अगर आपके पास ऐसे नॉर्मल तवा है तो आप इसे ऐसे पलट कर सेक लीजिए, और अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो आप इसे ऐसे पलटेंगे तो ये गिर सकता है। तो आपको इसे पापड़ के जैसे गैस के ऊपर ही सेकना पड़ेगा। तो आप इसे हर तरफ से, जैसे हम पापड़ सेकते हैं, वैसे ही हल्का हल्का लाल करके सेक लीजिए। तो ये देखिए, हमारा जो नान है बिल्कुल अच्छी तरह से सिक चुका है। अब हम इसके ऊपर घी लगा देंगे। तो आप चाहे तो इस पे बटर भी लगा सकते हैं, लेकिन घी लगाने से इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो नान है बिल्कुल तैयार है। तो आप इसे किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं, और इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी बनता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसे। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ।